आज हम लोग आए हैं एक डीप फ्रीजर को चेक करने के लिए, और यहाँ पे जो डीप फ्रीजर है और ये कूलिंग नहीं कर रहा है। कस्टमर कह रहा है कूलिंग नहीं कर रहा है, मतलब चल नहीं रहा है। तो हम लोग भी चेक किए, तो यहाँ पे ये हमारे डीप फ्रीजर है, यहाँ पे देखिए अभी खोलें जस्ट। तो अब इसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ऑन हो चुका है बटन, और यहाँ पर देखते हैं नीचे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ना इसका फ़ैन चल रहा है और ना ही इसका कंप्रेसर चल रहा है, मतलब इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है इसको फाइंड करते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इसके जो प्लग है इस प्लग को बाहर निकालते हैं, और प्लग को निकालने के बाद चेक करते हैं कि इसमें लाइट आ रही है या लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसका केबल भी चेक करेंगे और इसमें जो सप्लाई आ रही सॉकेट से इसको भी चेक करेंगे, और अगर यहाँ पर सप्लाई वगैरह सही रहेगी, केबल सही रहेगा, तो फिर अंदर इसके और भी चीज़ों को रिले और LP और जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं सबको चेक करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले सप्लाई को चेक करते हैं। तो मीटर ले लेते हैं अपना, और ये केबल जो है केबल को हमने वहाँ से निकाल दिया, इसका पॉइंट मतलब एक एंड यहाँ पे है, देखिए इसको निकाल दिए हैं, और दूसरा जो ये है यहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं सप्लाई कि हमारा जो सॉकेट है इस सॉकेट में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमारे पास ये क्लैंप मीटर है और इसको सेट करेंगे हम लोग वोल्टेज पे, और वोल्टेज पे सेट करके देखिए हमें वोल्ट पे है, एसी वोल्ट पे सेट कर दिए 750 वोल्ट पे, और हम यहाँ पे जो सॉकेट है इस सॉकेट में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है इसको चेक करेंगे। क्योंकि अगर सप्लाई भी देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रही है 194-93 वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर आ रही है, जबकि ठीक है अगर 190 वोल्ट से ऊपर है तो हमारी मशीन अच्छी तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पे सप्लाई तो बोर्ड तो हमारा एकदम 100% सही है। अब हो सकता है इसका केबल जो ये अंदर से ख़राब हो गया होगा, कटा पिटा नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीटर कंटिन्यूटी पे सेट हो चुका है और हम लोग चेक करते हैं इस केबल का कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे देखिए किसी एक तार पर रखा जा रहा है एक एंड पर, और फिर जो अपना प्लग है यहाँ पर एक इस पर लगाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए बता रहा है ठीक है। तो मतलब एक तार अपना भी सही है। अब दूसरे को चेक करते हैं, तो दूसरे वाले को चेक किया जा रहा है, मतलब न्यूट्रल वाला सही है, फेज़ वाला भी देख लेते हैं, फेज़ वाला भी यहाँ पे बता रहा है, मतलब न्यूट्रल फेज़ एकदम सही 100% एकदम परफेक्ट है। फिलहाल अर्थिंग को भी चेक कर लेते हैं, अर्थिंग अगर ख़राब भी रहती तब भी इसके चलने ना चलने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बाकी अर्थिंग भी चेक कर ली हम तो अर्थिंग भी सही है। तो अर्थिंग सही रहे ना रहे तब भी हमारा मशीन चलता रहेगा। तो फिलहाल हमारा जो अर्थिंग भी सही है, न्यूट्रल भी सही है और फेज़ भी सही है, मतलब केबल 100% सही है। तो इस केबल को हम जहाँ पर लगा था वहाँ पर लगा देते हैं, मतलब कि हमारा प्लग भी सही है, सॉकेट भी सही है और ये केबल भी सही है। अब यहाँ पे क्या है कि जो थर्मोस्टेट है, हो सकता है कि थर्मोस्टेट हमारा ख़राब हो जिसकी वजह से इस मशीन में सप्लाई नहीं जा रही है। अगर थर्मोस्टेट ही ख़राब हो जाएगा, इसी के जरिए सप्लाई घूम के जाती है और ये कूलिंग को कंट्रोल करता है, तब भी हमारी मशीन नहीं चलेगी। अगर ये हमारा थर्मोस्टेट भी सही निकल जाता है तब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने कंप्रेसर को चेक करेंगे, फ़ैन को चेक करेंगे, कुछ और भी चीज़ों को चेक करेंगे। और यहाँ पे तीन तार लगे हुए हैं, ये देखिए न्यूट्रल फेज के तार थे दो और एक लगा हुआ है इसके बॉडी पे, मतलब अर्थिंग का तार, ग्रीन वाला वायर। तो ग्रीन वाले सबको कोई भी मतलब नहीं है, ग्रीन वाला काट के निकाल भी देंगे तब भी इसके चलने ना चलने पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल ग्रीन वाले को भी निकाल के हटा देते हैं, बस इसमें दो ही तार था, मतलब ग्रीन को हटा दीजिए, ग्रीन अर्थिंग के लिए वो बॉडी पर टच था वैसे ही, जो कि करंट वरेंट आता तो अंदर चला जाता ज़मीन पे, बाकी अर्थिंग से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं इसको अब निकाल चुके हैं तीनों तारों को, अर्थिंग को भी हटा दिए हैं, न्यूट्रल मतलब जो फेस वाला दोनों तार था इन और आउट उसको भी हटा दिए। हम थर्मिस्टर दोनों पॉइंटों पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी पर सेट हो चुका है मीटर और हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे जो थर्मोस्टेट है ये बंद होगा, तो फिर हम चालू कर लेते हैं एक बार, घुमा लेते हैं। तो घुमा चुके हैं और यहाँ पे फिर चेक करते हैं, अभी भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब जो हमारा देखिए इसे देखते हैं मीटर भी सही है, इसका मतलब है कि हमारा जो थर्मोस्टेट है 100% ये ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से ये सप्लाई नहीं जा पा रही थी कंप्रेसर को और फैन मोटर को, जिसकी वजह से ये हमारा पूरा डिफ्रीजर बंद हो चुका है और नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली इसको अब चलाएंगे, डायरेक्ट चलाने का मतलब ये देखिए अर्थ का तार से कोई मतलब है नहीं, हमको अर्थ को राइट करते हैं, बाकी ये देखो दोनों फेस का है, एक इनपुट पे लगता है थर्मोस्टेट के, एक आउटपुट पे लगता है। तो उसको हम क्या करेंगे शार्ट कर देंगे, ये हमारे पास एक वायर है थोड़ा सा बड़ा सा वायर है, इसको हम काटेंगे नहीं फिलहाल, इसका दो सिरा है, एक सिरे को एक तार पर लगा देंगे, दूसरे सिरे को दूसरे तार पर लगा देंगे, तो वो घूम करके इस तार के जरिए सप्लाई अंदर पहुँच जाएगी, जैसे थर्मोस्टेट से घूम के सप्लाई अंदर पहुँच रही थी। तो हमारा का सिस्टम ये थर्मोस्टेट ख़राब है, तो अभी सिस्टम अगर सही रहेगा और चीज़ें तो ये हमारा सिस्टम पूरी तरीके से हमारा जो फ्रीजर है ये चल पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये देखिए तार है, ये दोनों तारों पे लगा देंगे जो थर्मोस्टेट के पॉइंटों पे लगा था दोनों, ग्रीन से कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा आप,
तो फिलहाल ये दोनों फेस के तार हैं, एक पे लगा देते हैं एक एंड को केबल के ये तार के, और दूसरे तार को हम जो दूसरा तार का जो दूसरा एंड है इसको एक तरफ लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्ट हो गया, मतलब कि जो थर्मोस्टेट कंटिन्यूटी बताता है तो वहाँ पे सप्लाई जाती, थर्मोस्टेट खराब है कंटिन्यूटी ना बताने में सप्लाई नहीं जा रही, तो हम यहाँ पे तार के जरिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे अगर सप्लाई हम देंगे तो ये अगर सही रहेगा थर्मोस्टेट, अगर पूरे मशीन सही रहेगी और थर्मोस्टेट ख़राब रहेगा तो ये डायरेक्ट करने पे चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम चलाते हैं, यहाँ पे एम्पियर में करके हम चेक करते हैं यहाँ पे कि ये सही है, ये मतलब एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है, कितना लोड ले रहा है चेक कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अब लगाते हैं अपने प्लग को, और प्लग लगाने के बाद स्विच को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि ये मशीन हमारी चल रही है अब या नहीं चल रही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये फैन भी चल गया और कंप्रेसर भी चल रहा है। एम्पियर दिखा देते हैं आपको, आप देख सकते हैं 0.4 एम्पियर 3 एम्पियर के आसपास ले रहा है, मतलब कि जो इसमें फॉल्ट था वो यही था कि जो हमारा थर्मोस्टेट ये ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से सप्लाई फ्रीजर में नहीं जा पा रही थी और फ्रीजर हमारा नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे हम जो फॉल्ट था काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, और यहाँ पे देखिए गैस वगैरह सब एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये जो पाइपें हैं कंडेंसर की अच्छी तरीके से गर्म हो रही हैं, और अगर ये गर्म ना होती तो गैस का भी इशू रहता। फिलहाल कंप्रेसर चल रहा है और ये पाइपें भी गर्म हो रही, मतलब गैस वगैरह सब 100% सही है, खराबी थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट चेंज कर देंगे, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा।